हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। लीग्स कप का मैच हो रहा है जो कि लॉस एंजलिस एफसी वर्सेस टिजुआना के बीच खेला जाएगा 8:30 बजे। मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस टीम की बहुत अहमियत है। मतलब आप ये लगा लो लॉस एंजलिस की दो टीमें वहाँ खेलती है, एक लॉस एंजलिस गैलेक्सी और एक खेलती है लॉस एंजलिस एफसी, जो ये इस टीम का मैच है। तो लॉस एंजलिस एफसी मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 5 में रहना शुरू से, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये टीम को 4 साल से कि ये टीम पीछे नहीं हटती, इनके पास एक से एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपको मिल ही जाएगा। लेकिन टिजुआना टीम मेक्सिको लीग की है और मैक्सिकन लीग में भी टिजुआना का कोई बड़ा रोल नहीं मेरे को लगा। तो इस मैच में LAFC सिंगल साइड मेरे हिसाब से जीती हुई है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। दिन आगे चलते हैं और फेवर करते हैं सीधा LAFC को। टीम प्रिपेयर्ड है लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाना है, सो बने रहिए और चलते हैं सीधा स्ट्राइकिंग की ओर। तो दोस्तों, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले डेनिस बोंगा का बहुत बड़ा रोल है और डेनिस बोंगा इज़ अ ग्रेट प्लेयर। इनकी टीम में बोगस था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बोंगा को स्ट्राइकिंग पे भेज दिया। बहुत महीनों से देख रहा हूँ कि ये बंदा मिडफील्डिंग कर रहा था और बोगस को मिडफील्डर बना दिया। पता है क्यों? क्योंकि ऑफ गिरियोड। भाई साहब, ओ गिरियोड जैसा इटालियन टीम का प्लेयर है ये बंदा, फ्रांस कंट्री से बिलोंग करता है। फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में इस बंदे ने 5 गोल किए थे और उसके बाद फ्रांस टीम फर्स्ट रनर अप थी, अर्जेंटीना को हरा नहीं पाई थी फाइनल, उसमें गिरियोड हिस्सा था। फिर गिरियोड खेला मिलन टीम से, ठीक है, पता नहीं मिलन टीम ही है ना, हाँ मिलन से शायद ये खेलता था इटालियन लीग में। अब ये यहाँ खेल रहा है, मतलब मैं मान गया कि क्या होने वाला है अब, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज है। लोग के कमारा करते रह गए, कोई लोग ऑर्डर्स करते रह गए, भाई साहब उन्होंने क्या किया? एक गोल, गिरियोड दिखाएगा वो क्या है, वो तो बालक है, मतलब ये उसके सामने बालक हैं सारे। गिरियोड तो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई। उसके बाद आगे बात करूं तो मैं कैस्टेंडा को तो नहीं लेने वाला, पता नहीं इसको क्यों भेजा है भाई साहब स्ट्राइकिंग में। इसको एक टके की भाई साहब स्ट्राइकिंग आती नहीं और बेमतलब इन्होंने नाम दे दिया और लोग भी लेके बैठे हैं 95%, हैरानगी की बात है भाई। जुनिगा को लो इससे बढ़िया, ठीक है ना। अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, बोगस के बाद ना मैं सोच रहा था कि मैं ना टी टिलमैन को लूँगा। देखो मैं अभी भी लूँगा, मैं टिलमैन को अभी भी लूँगा, लेकिन द रीज़न इज़ अगर टिलमैन नहीं खेलता तो आप ई एट्विस्टा को ऑन रिस्क पे ट्राई कर सकते हो, जिनको लगता है कि क्लीन शीट नहीं लगेगी सिर्फ वो। बट मेरा तो टी टिलमैन से है कि मैं टिलमैन के साथ ही जाता हूँ। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लूँगा मैद्रिगल और रिवेरा। रेनोसो को नहीं ले रहा, ऑलरेडी TIJ बहुत ज़्यादा गिरावट में, मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहिए भाई वो भी इस मोमेंट पे। और डिफेंडिंग सेक्शन में मैं लूँगा ओ कैंपस को, उसके बाद मुरिलो, एस्पेलेंशिया वॉज डूइंग थर्ड डिफेंडिंग, तो चौथी डिफेंडिंग में हॉलिंग सेट है। लोग बेवकूफ़ी करते हैं, सही बता रहा हूँ भाई, आप मत करो यार। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको नहीं कह रहा, बेवकूफ़ी उनको कह रहा हूँ जो लोग वीडियो देखकर भी नहीं प्लेयर ले रहे। भाई हॉलिंग्स हेड जैसा प्लेयर, जाकर इसका रिकॉर्ड देखो। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है ना तो खुद देख लो जाओ हॉलिंग्स हेड क्या है। ये भाई साहब, ये आज से 1.5 साल पहले एक परमानेंट मिडफील्डर था, इसको डिफेंडिंग आती नहीं थी, इन्होंने 1.5 साल पहले इसको डिफेंडर बनाया और आज ये बंदा प्रॉपर डिफेंडर है, पता है। और सीज़न के अंदर कम से कम अगर ये 20 मैच खेले या 15 मैच खेले तो इस बंदे के 4 गोल होते ही होते हैं। तो हॉलिंग्स हेड को ना लेने की गलती आप मत करना, लोगों की बेवकूफ़ी में आप साथ मत देना। और गोलकीपिंग सेक्शन में जे रॉड्रिगोस एंड जीसस करोना में एक खेलेगा, मेरे हिसाब से जे जीसस खेल सकता है। बात करें कैप्टन की, कप्तान डेनिस बोंगा और गिरियोड को अभी फर्स्ट मैच है तो अभी ट्रस्ट इतना मत करना, अभी आप बोगस को ही रखो, पहले गिरियोड को इन फॉर्म आने दो, 2-4 गोल करने दो, उसके बाद देखा जाएगा कि कैप्टन रखना है कि वाइस कैप्टन। अभी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाइए, मेरी फेवरेट टीम है लॉस एंजलिस, मेरी पक्की फेवरेट टीम है, मतलब इससे ऊपर मेरे को मेजर लीग सॉकर में और कोई टीम नहीं लगती। और मैक्सिकन लीग की मेरी फेवरेट टीम है क्लब अमेरिका, उसमें भी अमेरिका नाम ही आएगा। तो ये मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।